बाइक रैली निकालकर एकता और अखंडता का संदेश दे रहे पुलिसकर्मी, जनता और पुलिस का सहयोग बना रहे, रैली निकाल कर दिया संदेश। पुलिस मुख्यालय भोपाल के द्वारा आजादी के 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में भोपाल पुलिस मुख्यालय के द्वारा पुलिस वॉलेंटियर का ग्रुप बनाकर बाइक रैली निकालकर एकता और अखंडता का संदेश दिया जा रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल ने बताया कि ये रैली आज शिवपुरी के तात्या टोपे स्मारक पर पहुंची। यहां पर पुलिस कर्मियों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इस रैली का उद्देश्य आजादी के अमृत महोत्सव में एकता अखंडता का संदेश के साथ ही पुलिस का और जनता का समन्वय बना रहे, इसके लिए कोशिश की जा रही है। ये रैली पूरे मध्य प्रदेश में निकाली जा रही है। इस ग्रुप में 40 सदस्यों को शामिल किया गया है। 26 बाइक हैं। ये रैली का सफर लगभग 2600 किलोमीटर का पूरा हो गया है, जिसमें लगभग 16 जिलों को कवर किया गया है। आजादी का अमृत महोत्सव इस साल मनाया जा रहा है, इसी के तहत राष्ट्रीय एकता रैली पुलिस मुख्यालय भोपाल के द्वारा निकाली गई। ये यात्रा भोपाल शौर्य स्मारक से प्रारंभ होकर मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों का भ्रमण करती हुई आज यहाँ शिवपुरी पहुँची है, और आज ये रवाना होकर राजगढ़ में वहाँ कार्यक्रम के बाद परसों के दिन शाम को भोपाल पहुँचेगी। ये इस साल आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, 75वां वर्ष हमारी आज़ादी का। इसके साथ में राष्ट्रीय एकता दिवस भी 31 तारीख को, तो पुलिस मुख्यालय द्वारा एक वॉलंटियर पुलिसकर्मी जो हैं उनका एक ग्रुप बना के एक बाइक रैली निकाली जा रही है। इस पर एकता का मैसेज देने के लिए, राष्ट्रीय एकता और अखंडता का, और जनता पुलिस से का एक सहयोग बना रहे। इसके हिसाब से ये पूरे मध्य प्रदेश में काफ़ी इलाकों को इन्होंने कवर किया है। आज सौभाग्य से ये आज हमारे शिवपुरी में आए हैं। तात्या टोपे जी के स्मारक पर इनके साथ श्रद्धांजलि व्यक्त की गई है, पुष्पहार दिया गया है, और यहाँ पर थोड़ी देर विश्राम करने के बाद में ये कल तक वापस पहुँच जाएंगे भोपाल, और 31 तारीख को एक कार्यक्रम है भोपाल में, उसमें शामिल होंगे।